हाय एवरीवन, वेलकम टू माय शेयर बाजार यूट्यूब चैनल। आप में से ज्यादातर लोगों को ये नोटिफिकेशन नजर आ रहा होगा एनएससी के वेबसाइट में कि ये इस मंथ यानी कि अगस्त में ही ये क्लोज हो जाएगा। ये जो ओल्ड वाला एनएससी का वेबसाइट है ये बंद होने जा रहा है, तो इसको लेके काफी सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो ये वाला नया वेबसाइट है, क्योंकि इसको यूज करना काफी डिफिकल्ट लगता है। जो इससे पहले इस वेबसाइट को यूज नहीं किए हुए थे, काफी दिनों से ये चल रहा है, यहाँ पे उन्होंने लिंक दिया हुआ था लेकिन काफी सारे लोगों ने उसे यूज नहीं किया, जिस वजह से काफी सारे लोगों को अब ये परेशान कर रहा है कि हम लोगों को डाटा कहाँ से मिलेगा। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने की कोशिश करूंगा, इस वेबसाइट में आप जो भी डाटा देखते थे कैसे आप इस वेबसाइट में आके ही वो डाटा सेम डाटा देख सकते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ जो ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इक्विटीज पे आता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को ओल्ड वाला जो एनएससी का वेबसाइट है उसका ऑप्शन चेन नजर आएगा, और यहाँ पे काफी सारे लोग उसे ढूंढ भी नहीं पाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे मार्केट डाटा तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला है नया वेबसाइट का ऑप्शन चेन। लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोगों को ये दिक्कत होता है, यहाँ का जो डाटा है ये जो वाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं उसे क्लोज करके ये आप देख सकते हैं 41,336। और यहाँ पे मैं अगर नए वाले पे देखूँ, यहाँ पे मैं उसे 11,300 का मैं डाटा ले रहा हूँ, यहाँ पे वाई 41,336। और यहाँ पे मैं ओल्ड वाले का लूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाखों में है, वाई लाखों में है। तो काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा ज़्यादा है, लेकिन उसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइज है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वॉल्यूम वाइज है। तो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाऊँ, ये सेम ही है, यहाँ पे 41,336 इंटू, आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगा कि निफ्टी का लॉट 75 पे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ और अभी आप देखें यहाँ पे सेम टू सेम नज़र आ रहा है। तो कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज है। और यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं 9,27,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जाएंगे तो ये वॉल्यूम आप लोगों को नज़र आएगा। और ये जो चेंजेस है वाई चेंजेस, ये भी कॉन्ट्रैक्ट वाइज है, यहाँ पे जो भी आप लोगों को नज़र आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को करना होगा, हो सकता है इन फ्यूचर ये चेंज कर दे, ओल्ड वाले के साथ ही ये ऐड कर दे तो अच्छी बात है। जो लोग अभी तक उसी को देखते हुए ये ही ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों के लिए शायद ये दिक्कत हो सकता है, लेकिन तो जैसा डाटा है उसी हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेशन करके ट्रेड तो करना ही है, भले ही डाटा जैसा भी शो हो ट्रेड तो करना ही है अगर आपको इस मार्केट में रहना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है, काफ़ी सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है यहाँ पे कितने सारे डाटा और वहाँ पे कितने, यानी कि क्वांटिटी का फ़र्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो सेम है जैसे मैंने दिखा दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज है। कॉन्ट्रैक्ट को आप यहाँ पे जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे आप मल्टीप्लाई 75 से कर दे तो ये एग्जैक्ट ये डाटा आ जाएगा। और यहाँ पे जो लोग मार्केट ऑफ होने के बाद डाटा देखते हैं, बाव कॉफ़ी वगैरह जो देखते हैं, यहाँ पे आप रिसोर्सेज पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर आप डेली मार्केट रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं आप लोगों को मेन मेनू पे जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो ऑल रिपोर्ट्स है वो वाला मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी है बायो कॉपी वगैरह जो भी है आप लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉक का चाहिए तो यहाँ पे आप कैपिटल मार्केट में आके, जैसे बायो कॉपी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं बायो कॉपी है, और भी जो भी सिक्योरिटी वाइज पोजीशन आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं, बल्क डील ब्लॉक डील हर रिपोर्ट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेली वॉलेटिलिटी हर रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। और आपको डेरिवेटिव सेगमेंट का डाटा चाहिए तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा, उसके बाद आप लोगों को इस तरह से सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायो कॉपी है, जो भी डाटा आप लोगों को चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं, जो लोग जानते हैं। अगर जो लोग नहीं जानते हैं इसका यूज़ कैसे किया जाता है वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन ये वाला नया वाला जो वेबसाइट है वो डाटा ढूंढने में काफ़ी सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से ये ट्यूटोरियल है। साथ ही साथ अगर आप FII DII का डाटा देखना चाहते हैं तो मार्केट डाटा पर आइए, और यहाँ पर जो ऑप्शन है पोजिशन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स, यहाँ पर आप क्लिक करें
तो आप लोगों को इस तरह से मिलेगा FII DIA एक्टिविटीज का। तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो डायरेक्ट ये नया वाला साइट पे ही, पहले ओल्ड वाले साइट पे रिडायरेक्ट कर देता था, लेकिन अब नए वाले पे ही आप लोगों को नज़र आ जाएगा FII DIA क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ये तो कल वाला है, अभी 4 बज रहा है, जिस वजह से अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है। तो कुछ देर बाद ये अपडेट हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे FII DIA का जैसे डाटा दिखाया, यहाँ पे आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा। जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आप क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही वाला आ जाएगा। तो यह भी काफ़ी एक अच्छा फीचर है, यहाँ पर आप सर्च करें जो आपको चाहिए। और यहाँ पर मेन मेनू पर तो सब कुछ ही नज़र आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी आप लोगों को चाहिए। यहाँ पे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इंडेक्सेस, सेक्टरल इंडेक्सेस लेके। जैसे यहाँ पे मैं उसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे जो भी है उसे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमाइज़ करके, जैसे मुझे बैंक नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऑटो नहीं चाहिए, बैंक चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो अभी मैं उसे कंटिन्यू कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे तो वो वाला डाटा ही मुझे यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप 5 ही देख सकते हैं। तो इस तरह से आप उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा टॉप गेनर, टॉप लूज़र, मोस्ट एक्टिव स्टॉक भी यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे ले आएगा निफ्टी 50 का, या फिर आप यहाँ पे जो भी देखना चाहते हैं निफ्टी या सेक्टोरल वाइज जो भी आप लोगों को देखना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप चेंजेस भी डायरेक्ट क्लिक करके उसे देख सकते हैं। वॉल्यूम भी आप इस तरह से चेंज करके देख सकते हैं कि किस में वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा है, जो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक उन लोगों को सहायता मिल सकता है। और अगर आपको इस वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ पे एक फीडबैक का ऑप्शन है, यहाँ पे आप फीडबैक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे नाम डालें, ईमेल डालें और फीडबैक आपने क्या है वो डाल दें, और ये वाला टिक करके आप सबमिट पर क्लिक कर दें तो ये उन लोगों के पास चला जाएगा। तो इस वेबसाइट को आप अभी से ही यूज़ करने लग जाए, क्योंकि आज तो 12 तारीख है और कुछ ही दिन बचे हुए हैं ये वेबसाइट क्लोज होने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, अगर अगस्त में नहीं होता है और कुछ दिन दे सकते हैं, लेकिन ये तो होना ही है क्योंकि एक वेबसाइट बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। उन्होंने तो नया वेबसाइट बना दिया हुआ है तो ये तो बंद होना ही है। बंद ना भी हो लेकिन आप लोगों को अपडेटेड डाटा नहीं मिलेगा, जो डाटा है वो ओल्ड डाटा मिलेगा, नया डाटा यहाँ पे शायद अपडेट ना हो। जिस वजह से मैं सजेस्ट करूँगा आप अभी से ही उसे ही यूज़ करें ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को इससे कोई भी परेशानी ना हो। जो मेन चीज़ है मैंने तो बता दिया, आप लोगों को जो चाहिए होगा वो आप लोगों को यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ पर जैसे प्री मार्केट, अभी ओल्ड में भी अगर आप प्री मार्केट करेंगे तो ये नया वाला साइट ही ओपन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी ऑप्शन है जो आपको चाहिए वो आप यहां से ऊपर वाले मेनू से आप ले सकते हैं। जो एक ट्रेडर के लिए इम्पोर्टेंट है ऑप्शन चेंज और मार्केट क्लोज होने के बाद FII DIA या बाउ कॉफी जैसे रिपोर्ट चाहिए वो तो मैंने दिखा दिया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह और इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए इस चैनल के साथ जरूर ही जुड़े रहें।